जरा देखो। ये हो गई अपनी KTM वॉश। वॉश में बात अलग ही दिख रही है भाई, ऐसा दिख रहा है गाड़ी को भी पेंट करके लाए नहीं क्या, वैसी दिख रही गाड़ी पूरी माशाल्लाह। चलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये रही हमारी KTM ड्यूक 390 जो कि सेकेंड हैंड मॉडल है, सेकेंड हैंड गाड़ी है और ये पुराना मॉडल है। बट ये जो मॉडल है वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है भाई, क्योंकि इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है एकदम सॉलिड यूज़ किया गया है। क्योंकि अभी के जितने भी KTM ड्यूक जो गाड़ी आ रही है ना 390, वो थोड़ा सा हल्का कर दिए, वेट कम कर दिए, बट इसका जो वेट मटेरियल जो भी है इसका बहुत ज़बरदस्त है, सॉलिड है। इसके लिए मैं परचेस करा भाई, सेकेंड हैंड है पर क्या करूँ, मुझे अच्छी लगी, पावरफुल है। 35 Nm इसका अपना क्या है टॉर्क है और 43 इसका हॉर्स पावर है, तो वो देखकर मैंने इसको परचेस किया मेरे दोस्त के पास से। करता हूँ अभी जो साइलेंसर है इसको लगाया, इसे तो ओरिजिनल उसका दूसरा है, इसका साउंड सुनो, आ जाओ। खतरनाक साउंड है, अच्छा है ना साउंड। बस बचते बचाते हुए चलना है पुलिस वालों से बस। लेकिन नहीं भाई, मैं निकाल दूंगा सोच रहा हूँ, कभी नहीं सोच रहा हूँ, निकाल दूंगा सोच रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। अरे कहना क्या चाहते हो, जब दिल भर गया ना, जब निकाल लेके उसको, उसका जो ओरिजिनल है वो लगा दे तो ठीक है। हाँ तो मैं अभी आता हूँ, अभी मोबाइल हाथ में है ना रेहान। भाई को बहुत खुशी हो रही, ये गाड़ी नहीं रॉकेट है, रॉकेट। अरे अंकल जरा रुक गए मालूम। तो क्या आ रही थी, कौन सी गाड़ी आ रही थी, क्यों क्या है आवाज, बिल्कुल रुक गए बेचारे, भगेंगे इसको अपनी KTM को, KTM 390। हवा में रह रही, हवा में क्या मस्त है भाई, मस्त आई हवा। अभी वहाँ मैकेनिकल जाएंगे, नहीं सीधा शोरूम। मैकेनिकल लेके जाएंगे, कल मैकेनिक साहब नहीं थे, एक बार बता देंगे मैकेनिक को क्या। इधर देखो बेटा, जब तू बड़ा होगा ना अंधे लौड़ों की तरह रोड पे भागना। एक्सीडेंट हो गया था क्या, इतनी जोर से चीखा मारा तो सॉरी सॉरी बोल रहे हो ना, एक साइड ही देख रहे। हवा में रही गाड़ी, हाँ जाते आंटी डर गए, आंटी डर गए, आंटी डर गए, बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर। रह जाओ भाई, रह जाओ भाई, हम लोग चले आ आइट। नर्रा अंकल हटो, ऐसा कम निकल जाता अपना बच्चों।
क्या निकल रही रॉकेट के जैसा। रॉकेट रॉकेट है रॉकेट रॉकेट है रॉकेट। मजा आ जा रहा चला के क्या। हो एकदम अंदर से एड्रेनल आया था मालूम एकदम। हट मैं भी कुछ कर दूंगा बोल के, लेकिन नहीं भाई कंडर कंट्रोल कंट्रोल। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या, कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल उदय है नहीं है। अरे कल से अभी तक नहीं आया है ना ये आ रहा है यारो की का सिंबल। अन्ना जरा ये देखो ना ना ये की का सिंबल आ रहा, ये अपन निकाल दिए तो भी आ रहा। हाँ आप करे तो भी आ रहा है क्योंकि एक एंटीना रहता कहते इसके नीचे एंटीना। हाँ भाई आप नहीं कर सकते। अरे आप इतने बड़े इलेक्ट्रिशियन है वायरिंग के पूरा सेंसर रहता। अच्छा और अन्ना वो एक मेरा जो बंदा था यहाँ से स्विच बंद करके डायरेक्ट कर दिया इधर इसमें। आप कर सकते ना कौन सा नया मतलब क्या बोलना है राइट साइड का हेडलाइट स्विच। अच्छा अच्छा नया डालना पड़ता। और कब लाऊं गाड़ी। कल लाऊं। क्या टाइम पे लाऊं ना कल सुबह सुबह आ जाता हूँ। अच्छा मंडे ला लो। थैंक यू ना। अभी शोरूम पे जाना तो ये टाइम क्या है सुबह सुबह गए तो लोग देखते ये टाइम पे कौन देखता है यारो शोरूम पे। कल लाओ परसों लाओ बोलते ला। फिर भी शोरूम किधर है देख के आएंगे। ये आवाज़ से तो पूरा हला दे रहा। ओ हो एप्रिलिया ये भी ज़बरदस्त गाड़ी है भाई तूफानी गाड़ी है तूफानी। इसको ऐसा खाली रोड मिलना तब दिने अच्छी है अपनी गाड़ी नहीं तो इंजन गर्म कर देती ना मालूम। स्किड हो रही गाड़ी मालूम ऐसा थोड़ी मट्टी रह रही ना तो गाड़ी एकदम स्किड हो रही। मज़ा आ जा रहा मज़ा आ जा रहा चलाने पे तो ना भाई जो मज़ा है ना गाड़ी का ये कौन सी भी गाड़ी नहीं देती ऐसा मज़ा। इवन वो साइलेंसर लगाने से बहुत मतलब बहुत ही साउंड कर रहा साइलेंसर। अब क्या करते वही तो मज़ा है। गाड़ी मालूम पब्लिक रिएक्शन तो छोड़ो यहाँ पुलिस रिएक्शन आ जाएगा ना तो एक यहाँ पुलिस वाले रहते जर्रा। नहीं है नहीं है नहीं है करती मालूम सीरियसली बहुत खतरनाक गाड़ी है ये मालूम। एक्चुअल इसको ऐसा ब्रीदिंग होना गाड़ी को तो मजा है। इवन गाड़ी भी जरा ठंडी रहती ये 10 की स्पीड चलाए तो हो गया काम। अरे क्या गाड़ी है भाई। अरे रे 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 लोगों के रिएक्शन कितना है नेक्स्ट। अरे रिएक्शंस का तो छोड़ो यार जो मजा आ रहा ना चलाने वाले को वो कुछ और ही चीज है। ये हुई ना बात अब मजा आ रहा चलाने का। ये
सीधे जाना है, सीधा या राइट? राइट बता रहा। खाली रोड होना है बस इसको, बस बस एम्प्टी रोड मिल गई ना तो भाई गाड़ी गाड़ी है ये। मैडम बीच में थर गया तो कैसा? अरे गधी की बच्ची, पागल की औलाद, साली हवाई जहाज है क्या, पैर क्यों यूज कर रही है? ब्रेक दबाना। सॉरी हॉली लंदन है, हॉली लंदन। ये आगे अपन मेन रोड, क्या निकलती भाई गाड़ी है, मजा आ जाता सीरियसली। बस पुलिस वालों से बच के रहना। इसका साइलेंसर का कुछ तो करेंगे भाई। हाँ पिल्ले नंबर 80 समथिंग है, गुड़ी मलकापुर या क्या की बता रहा उन्हें। किधर 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 किधर, किधर यू टर्न बता रहा हूँ, यू टर्न वहां पे क्या यू टर्न नहीं? अरे यहीं से केटीएम का चल रही है। KTM मैं मुझ बोलूँ कहीं देखे ऐसा ख्याल है, देखे ऐसा ख्याल, गलती हो गई ना भाई। सर्विस ने देखा खाली, KTM शोरूम देखा, शोरूम अलग रहता, सर्विस सेंटर अलग रहता है। सर्विस सेंटर भी है ये, सर्विस है ना है। मज़ा आ गया। अय्या बा गर्म हो गई गाड़ी, हट जाओ। KTM शोरूम के अंदर जा रहे हैं हम लोग। मस्त है भाई। फिलहाल तो गाड़ी बता दिया, KTM शोरूम के सर्विस पे बताया, तो इस यहाँ से जो स्विच का वायर है ना, वो बंदा यहाँ डायरेक्ट इसमें कनेक्ट कर दिया, तो मे बी उसकी वजह से आ रहा होगा ये सिंबल की का मालूम नहीं। बट वो मैं वॉशिंग भी कराया था गाड़ी, तो नो बोल रहे हवा मारे तो आ जाता, सही हो जाता। अभी हवा कहाँ से मारूँगा मैं, एयर एयर मारो बोल रहे। नहीं तो यहाँ पे एक कंट्रोल स्विच रहता, बोल रहे कंट्रोल स्विच अभी नहीं है कंपनी में, जब आया जब डालते, बोल रहे नहीं नहीं चीज़ा है नए नए चीज। चलो बस बताना था गाड़ी बता दिया। ओहो अरे भाई ये गाड़ी है या तूफानी घोड़ा? हाँ भाई ये गाड़ी किसी के हाथ में नहीं देना मालूम, छोटे बच्चों के हाथ में या किसी के जो मतलब किसी को एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ी चलाने का, तो ये गाड़ी तो बिल्कुल नहीं देना वालों को। ये अगर किसी अरे गहरे नत्थू खेरे के हाथ में दिए ना भाई, टक्कर मार देता मालूम। टक्कर मारा तो बेचारा ऊपर पहुँच जाता, तो इतनी डेंजर गाड़ी है ये। देखो कैसा निकल रही मालूम, रॉकेट कैसा निकल रही ने,
अरे बाप रे बाप, डेंजर गाड़ी है ये तो बहुत। देखो देखो, ओ माय गॉड, सुपर्ब है भाई। क्या भाग रही क्या रेहन? अरे ये तो मेरे ख्याल से थोड़ी देर में डिस्टेंस कवर कर दे रही मालूम, जरी देर में डिस्टेंस कवर हो जा रहा। अरे यार क्या मज़ेदार गाड़ी है। ओहो हो, अरे अम्मा वो कार एकदम आगे। लेकिन नहीं सही में ये गाड़ी को बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल भी करना पड़ता, मतलब जैसा हवा में जा रही जितनी स्पीड जा रही ना उतनी ही स्पीड जल्दी से ब्रेक कंट्रोल करना पड़ता है। इसका ब्रेकिंग उतना भी अच्छा नहीं है जितना मैं ट्रैम गाड़ी चलाया, नहीं ट्रैम 400 उसके उतना। अरे ये देखो रुक, ये देखो भाई, ट्रैम गाड़ी का जैसा ब्रेकिंग है ना वैसी नहीं है, मतलब हाई स्पीड इसका पावर ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है और जो ब्रेक है ना उतना काम करे तक एक्सीडेंट हो जाता। तो ब्रेकिंग सिस्टम इसका पुरानी गाड़ी है ना इतना अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा है गाड़ी में पावर ज़्यादा है वो है, पावर ज़्यादा रहने से वो ब्रेक भी काम करना भाई बहुत मुश्किल है मालूम। अपनी गाड़ी का तो साउंड ऐसा है भाई माशाल्लाह, कभी अच्छा दिख रहा कभी अच्छा नहीं दिख रहा, क्या करूँ मैं अब। क्या बाइक है भाई, देखो गाड़ी अगर चलाना ना ऐसी गाड़ी चलाना भाई मज़ा आ जाना। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बच्ची परेशान हो रही क्या ये? ये जबरदस्त था रिएक्शन। चलो गाड़ी गर्म नहीं हुई क्या? इतना तो एवरेज है, जो हीटिंग का है ना वो एवरेज है, वो नॉर्मल है सिटी में चलाने पर, ओवरहीट तो नहीं हुई। चलो अभी हम लोग अपनी छोटी सी पार्किंग है बैक साइड की तो वहाँ पे रख देंगे गाड़ी। ये चढ़ा दिया। सेफ रख तो मैं अपनी गाड़ी मालूम। ओह माय गॉड, आज का ब्लॉग यहीं था एंड कर दिया, मैं गाड़ी अपनी पार्किंग में ला लिया। ये रही हमारी पल्सर 220, ये है KTM 390। मज़ा आ गया, ज़िंदगी में जीने का सही मज़ा आ रहा क्या। चलो एंड करता हूँ ब्लॉग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो गाइस भूलना मत लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए चलता हूँ, बाय बाय।